बड़ा खतरनाक कुआं। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सावन की दूसरी सोमवारी और मैं नहा धो के रेडी हो रही हूँ। और यहाँ हमारे घर के सामने ही फूल बेल पत्थर बेचने आते हैं तो मेरे हस्बैंड अभी ले रहे हैं। और आज सुबह का मेरा सबसे पहले काम है मंदिर जाना, और वहाँ से आने के बाद आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं मंदिर जाऊंगी। तो मैं नहा धो के रेडी होके आपसे मिल रही हूँ अभी। साड़ी का तो मैं रिव्यू की थी, आप लोगों को दिखाई भी थी, तो चलिए मैं पूजा कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। और ये पूजा की थाली तो मैं सुबह ही तैयार कर ली थी। और मैं पैदल ही मंदिर जा रही हूँ क्योंकि ये घर के पास वाला ही मंदिर है। और इस वीडियो में पहली बार इस मंदिर को मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत कम आ पाती हूँ, तो इसलिए मैं पहली बार दिखा रही हूँ। और ये ना बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी सुकून और काफ़ी हरियाली है, तो मुझे लगा कि चलो मैं यहीं पे आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठे नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे फूल के पेड़ भी बहुत सारे लगे थे, वैसे तो फूल थे मेरे पास लेकिन मैं सोची थोड़ा सा और तोड़ लेती हूँ। और मैंने सुना है ना कि भोले बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, अगर इनसे सच्चे मन से जो भी मांगो वो सब आपकी इच्छा पूरी होती है। तो इसी मन से मैं भी यहाँ पे आज पूजा कर रही हूँ, मेरे भी मन में कुछ है और मैं भी बड़ी उम्मीद से आज पूजा कर रही हूँ कि देखती हूँ कि ये मेरी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मेरी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है। तो मैं पूजा तो बहुत श्रद्धा से कर रही थी और यहाँ मेरा छोटा बेटा भी कर रहा है पूजा, देखिए। पूजा हो गई हमारी और हम लोग ना यहाँ पे बहुत गलत गलत फैसले लेते हैं आपकी। ये इतना बड़ा खतरनाक कुआं कुआं दिखा रहे हैं। हो गई, मैंने कर ली अपनी पूजा और वापस अपने घर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी मुझे हस्बैंड के लिए नाश्ते बनाने, और मैं नाश्ता बनाने के बाद ही आपसे मिलूँगी। और यहाँ पे ना हरी हरी चूड़ियाँ आया था बेचने के लिए, तो चूड़ी तो मैं पहले ही सोमवार को पहन ली थी हरी हरी, तो मैं नहीं ले रही हूँ। और मंदिर से आने के बाद मैं तुरंत नाश्ता तैयार कर ली थी क्योंकि इनको ना ऑलरेडी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं की नाश्ता का। और ये नाश्ता कर ली और अभी ये ऑफिस जा रहे हैं। और ये देखिए, ये भी आज ग्रीन शर्ट पहने हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा घर के काम भी देख लेती हूँ। और मैं यहाँ पर अरबी के पत्ते जो होते हैं ना उसके पौधे लगा रही हूँ क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है ना अरबी के पत्ते की पकौड़ी, इतना ज़्यादा, और कभी कभी तो वो ना हद कर देते हैं, वो रात के 10 बजे भी पत्ते ला के बोलते हैं अभी पकौड़ी मुझे खानी है, आप ही बना दीजिए। मालूम है मेरे हस्बैंड को अरबी का पत्ता का पकौड़ी इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो अरबी का पेड़ भी ले कर आ गई है, देखिए। तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ, और बारिश का समय है ना तो ये लग भी जाएगा आसानी से, और अभी भी बूंदी हो ही रही है, ये देखिए हल्की हल्की। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थ है ना,
तो अपने लिए मैं यहाँ पे साबूदाना बनाऊंगी। और ये साबूदाना मैं एक घंटा पहले ही भिगो के रख दी थी। और इसकी रेसिपी आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं मखाने को भून के निकालूँगी और वापस उसी कढ़ाई में तेल फिर से डाल के, सारी घी, देसी घी डाल के, और फिर आप साबूदाना को भी भून लेंगे। और साबूदाना भूनने के बाद ना इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि जैसे ही ये रेसिपी ख़त्म होगी मैं आपको इस वीडियो में नहीं मिलूँगी, क्योंकि मुझे जैसे ही ये रेसिपी ख़त्म होगी मुझे अपने ऑफिस जाना है। और इसी कारण ना मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ और मेरे पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं भी आप लोगों से मिलूँ, बातें करूँ। तो इसलिए पहले ही बोल दी हूँ कि जैसे ही रेसिपी ख़त्म होगी, वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊँगी अभी। तो देखिए, जैसे ही दूध उबला है वैसे ही मेरा भुना हुआ जो भी मटेरियल था, जैसे मखाना और ये साबूदाना, ये मैं दूध में अच्छे से पका लूँगी और उसमें मैं चीनी स्वाद अनुसार डालूंगी और फिर से इसमें इलायची कूटा हुआ, और इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे गाढ़ा होने तक। और उसके बाद थोड़ी देर हम ठंडी होने देंगे और फिर आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, तो ये मेरा अपना तरीका है। तो आपको अच्छा लगे तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।